तो लगातार चुनाव के बीच में पहुंच रहे हैं और आज मैं सागर के खुरई विधानसभा में हूं। खुरई तो वैसे भी बहुत चर्चा में है, पूरी कांग्रेस की नजर खुरई पर होती है और कहते हैं कि सेना तैयार है और वीरांगना सेना तैयार है, लेकिन आप देखिए बैच भी है, कमल भी है और भूपेंद्र सिंह जी भी नजर आ रहे हैं। हर एक दुपट्टे पर तैयारी है पूरी चुनाव की और कार्यकर्ताओं में तो यहाँ एक अलग तरह का जोश दिखाई देता है। ये जोश आप देख सकते हैं। भूपेंद्र भैया हम सबके तो एक ही भैया, भूपेंद्र भैया भी मेरे साथ है। भूपेंद्र जी, अब तो बिल्कुल सेना भी तैयार है, सब कुछ है, क्या होगा इस बार की लड़ाई में? देखिए मनोज जी, ना केवल खुरई में, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सेना पूरी तरह से तैयार है और इस जो चुनाव है उसमें इस सेना की मेहनत से, जनता के आशीर्वाद से पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। और खुरई में क्या करने वाले लोग चुनाव को लेकर परेशान दिखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आप बहुत एकदम फिट भी दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि चुनाव जीत लिया। देखिए खुरई का चुनाव खुरई की जनता और कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। मैं तो बाकी जगह पार्टी जहां पर भी ड्यूटी लगा रही है तो बाकी विधानसभाओं में जा रहा हूं। खुरई का चुनाव जनता लड़ रही है, खुरई का चुनाव कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं का ऐसा कहना है कि इस बार वो जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे। जीत का रिकॉर्ड कैसा होगा, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, तो एक मध्य प्रदेश का क्या सबसे ज्यादा जीतने वाली सीट होगी? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता कि सबसे ज्यादा, क्योंकि वोटर्स कहीं ज्यादा हैं कहीं कम है, पर औसत प्रतिशत आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में मतलब जो अच्छी 5-10 विधानसभाओं में औसत होगा उसमें खुरई भी होगी। इतना विश्वास क्यों है अपने कामों के बल पर जो आपने काम किए भाई, या कुछ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की लहर है? देखिए दोनों ही कारण है, पर खुरई की अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से जो जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है वो सिर्फ विकास के कारण, और कोई कारण नहीं है, सिर्फ विकास। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह तमाम लोग मैदान में नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें, हमारे पास सर्वे हैं, सरकार हम बना रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इस बार इतिहास लिखने वाले हैं। देखिए उनके सारे सर्वे फेल हो गए और अब तो सर्वे भी सब ये कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी 135 सीट जीत रही है। ये वो सर्वे हैं जो सर्वे कल तक कांग्रेस की जीत बता रहे थे, वही सर्वे अब कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 135 सीट पर जीत रही है। और जैसा लोग कहते हैं कि सट्टा बाजार की बात बड़ी वो होती है, तो अब तो सट्टा बाजार भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 135 पे आ रही है। तो सत्यता कांग्रेस को भी मालूम है और मेरा अनुमान है कि हम 150 से ऊपर जाएंगे। 150 से ऊपर, 150 जिस दिन परिणाम आएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। और आप देखेंगे कि बहुत अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। 150 तो मैं कम से कम कह रहा हूँ, उससे ऊपर कितनी आएंगे वो देखना है। 150 तो आना 100% तय है। क्या कमाल कर दिया आप लोग ने, 150 से ऊपर जाने की बात कर रहे हैं अचानक। आप कह रहे हैं धीरे धीरे कर आप सर्वे बदल रहे हैं, तो ये आखिर नया क्या कर रही है बीजेपी? कि नया कुछ नहीं कर रही है बीजेपी। देख बीजेपी मतलब विकास है। आज कांग्रेस के पास वोट मांगने का कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव में मुद्दे चाहिए। तो कांग्रेस कौन सा मुद्दा लेकर जनता में जाएगी, ऐसा कौन सा काम है जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया या नहीं कर रही, और वो काम कांग्रेस पार्टी करना चाहती है? उनके पास ना कोई मुद्दे हैं, ना कोई नेता है, ना कार्यकर्ता है। तो ये चुनाव में कांग्रेस कहीं मुकाबले में है ही नहीं। थोड़ी बहुत फाइट वहां पर है जहां थोड़ा बहुत कैंडिडेटों को लेकर 19-20 होगा, पर बाकी अगर आप देखें तो सब जगह जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाह रही है। दिग्विजय सिंह कह रहे थे खुरई से लड़ लूंगा, उनके नाम की चर्चा चली, फिर कोई कहा कि उत्तर प्रदेश से कोई नए आ रहे हैं सेना के साथ, वो सेना भी यहाँ नहीं दिखाई दे रही, तो ऐसा क्या कर दिया भूपेंद्र जी ने?
देखिए आप देखें तो पिछले 6 माह से कांग्रेस प्रत्याशी तलाश रही थी खुरई विधानसभा में। 3 बार माननीय दिग्विजय सिंह जी स्वयं खुरई आए और पैदल बाजारों में घूमे, और जिनको भी उन्होंने प्रयास किया वो आते थे खुरई, घूमते थे और जनता से मिलते थे, तो जनता का जो जवाब मिलता था उसके बाद वो जाके दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को मना कर देते थे। तो खुरई विधानसभा क्षेत्र में कोई भी अच्छा कांग्रेस का व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबको मालूम था, वो भी विकास की तारीफ करते हैं, कांग्रेस के लोगों से भी आप अकेले में बात करोगे तो वो भी विकास को स्वीकार करेंगे। तो जो अच्छे कांग्रेस के लोग हैं वो घर में बैठे, और जो कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो अन्य तरह की जिनके अपनी गतिविधियां हैं वो ही लोगों को छोड़कर आज सारे अच्छे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या समर्थन कर रहे हैं। तो माना जाए नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इन दिनों चुनाव में सभी लोग लगे हैं अपने अपने तरह से, लेकिन युवा पीढ़ी इस बार सबसे ज्यादा जो वोटर है वो आधी आबादी यानी महिला है, और करीब करीब 48 लाख के आसपास मध्य प्रदेश में यूथ वोट करने वाला यानी सबसे बड़ा वोटर। तो वोटर यानी यूथ को लुभाने के लिए यूथ की जरूरत है, और मेरे साथ इस वक्त खुरई विधानसभा में अविराज जी है, अविराज सिंह है, यूथ है, युवा है। अविराज, कहां देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और क्या लग रहा है, क्या युवा बीजेपी के साथ जाएगा? देखिए, युवा निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया प्रोग्राम शुरू करा तो युवाओं के लिए करा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीखो कमाओ योजना शुरू करी तो युवाओं के लिए करी, हमारी विधानसभा में अपनी विधानसभा में युवाओं के लिए अनेक कार्य हुए हैं, चाहे वो स्टेडियम बनवाना हो, जिम बनवाना हो, लाइब्रेरी बनवाना हो, और बहुत सारी फैसिलिटीज हमने यूथ को प्रोवाइड करी है, बैडमिंटन कोर्ट भी है, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनेक विकास के कार्य युवाओं के लिए करे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने करे हैं, और निश्चित ही पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी, और खुरई में तो जीत निश्चित ही है। खैर, खुरई की जीत को युवाओं के बल पर आप कहां देख रहे हैं? आप मुझसे मार्जिन पूछ रहे हैं? हाँ, मैं मार्जिन ही पूछ रहा हूं। मिनिमम 50,000 से हम जीत दर्ज करेंगे, और उसके आगे चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। विश्वास क्यों, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं इसलिए, या विकास के कामों के बल पर और कनेक्टिविटी दोनों? देखिए, पापा जी निरंतर 10 वर्ष जनता के बीच में रहे हैं, हमने उनकी समस्याओं का समाधान करा है, हमने विकास करा है, हर व्यक्ति से पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करा है, और अभी कैंपेनिंग में जहां पर भी मैं जा रहा हूं, जिन व्यक्तियों से भी मैं मिल रहा हूं, वो मुझे बेटा बोल के संबोधित कर रहे हैं, भाई बोल के संबोधित कर रहे हैं, और ये दिखाता है कि उनका एक अपनापन मेरी तरफ है, पापा जी की तरफ है, और हमने विकास करा है, विकास के मुद्दों को लेके हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। और यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो उनके पास एक भी मुद्दा नहीं है आज के चुनाव में, पूरी विधानसभा पापा जी के साथ है, विधानसभा का आशीर्वाद पापा जी के साथ है। और मैं तो, मेरी कैंपेनिंग शुरू हुई थी एक्चुअली 5 अक्टूबर को, तो 5 अक्टूबर से निरंतर मैं पूरी विधानसभा में घूम रहा हूँ, नुक्कड़ सभा हो रही है, जनसंपर्क हो रहा है, और ये मुझे समझ में आ गया है, ये दिख गया है कि पूरी विधानसभा पापा जी के साथ है। युवाओं की जब बात होती है तो कांग्रेस ऐसा युवाओं को सामने रखकर दावा करती है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने वो सब नहीं किया, आप भी यूथ है, तमाम तरह की चीजें दिख रहे, क्या एक मुद्दा है? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पर हमने इन्वेस्टर समिट कराया, देश का पहला विधानसभा लेवल का इन्वेस्टर समिट खुरई में हुआ। हम लोग का मेन एम उससे ये था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, और 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अपनी विधानसभा में हुआ भी है, सबको रोजगार मिलेगा, कंपनी आएंगी, फैक्ट्री आएंगी, सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। स्टेट लेवल पे इन्वेस्टर समिट माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत समय से कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी हम सभी ने देखा है, आज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। और उसी के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने करा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के यूथ के लिए रिजर्व करा उनको। अब 100% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के यूथ के लिए है। तो ऐसे हमने अनेक कार्य करे हैं, और पूरा मेरा मानना है कि पूरा यूथ हम सबके साथ है, और कहीं पर भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा नहीं है हमारी विधानसभा में या प्रदेश में कहीं पर भी। तो माना जाए कि आधी आबादी, लाडली बहना, यूथ, सभी भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने की तैयारी में है।
जी जी बिल्कुल, यही हम सबका मानना है, इसी को लेके हम प्रयास करें। मैंने जैसा आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट कहीं पर नहीं है, और उसी के साथ हम विजय के लिए निश्चित हैं। जी कब से निकल रहे हैं सुबह, कितने घंटे मेहनत कर रहे हैं? मैं नॉर्मली सुबह 10 बजे निकल जाता हूँ, और डिपेंड करता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, तो उस पर डिपेंड करता है। कई बार मैं शाम को 6 बजे भी वापस घर आ जाता हूँ, और कई बार रात के 9-10 भी बज जाते हैं। पर फिर क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारी विधानसभा में है, तो उससे मुझे कहीं थकावट नहीं होती, और हंसी खुशी के साथ हम लोग अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं, और रिजल्ट हम लोग के फेवर में ही होगा। पहले इतने सक्रिय नहीं रहे, इस बार ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो ये नया अनुभव कैसा लग रहा है? देखिए 2018 में जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें मैं 10th क्लास में था, तो 10th क्लास में एक मेरी एज नहीं थी कि मैं उतना पॉलिटिक्स को क्लोजली एग्जामिन कर पाऊँ या पॉलिटिक्स को उतना क्लोजली समझ पाऊँ। पर अभी क्योंकि मैं कॉलेज पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हुआ, अभी मैं लॉ कर रहा हूँ दिल्ली से, उसके 2nd ईयर में हूँ, तो कॉलेज पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ, उससे एक आइडिया पॉलिटिक्स के बारे में, ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स के बारे में मिला, और बाकी पापा जी तो मार्गदर्शन देते ही हैं, तो उससे ये है कि इस बार मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि पॉलिटिक्स ग्राउंड लेवल पे कैसी होती है, क्योंकि मैं बस एक कार्यकर्ता हूँ, अभी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, तो ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, और उसी के साथ मैं अपने सभी कार्यकर्ता साथी जो यहाँ उपस्थित हैं सबके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और सब हम लोग एकजुट हैं, मिलके प्रयास करेंगे। आप लॉबी कर रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं ग्राउंड पर आप पहुंच रहे हैं, तो इसे मान लूं कि आगामी वर्षों की लर्निंग शुरू हो गई। आप मुझसे मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर अगर पूछे हैं तो मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर ये है कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बहुत है, बचपन से रहा है। अब मैं जब मेरा बर्थ हुआ था तभी पापा MLA थे, तो मैं तो बचपन से पॉलिटिक्स देख रहा हूँ। 2009 में फिर MP बन गए, उसके बाद 2013 में मिनिस्टर बन गए, फिर उसके बाद 20 में भी मिनिस्टर बन गए। तो बात करें पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत है, पर फिर जहाँ पर मुझे खुद की कैपेबिलिटी और खुद की जो मेरा हार्ड वर्क है, मेहनत है, वो जहाँ ले जा रहेगा मुझे अपनी लाइफ में, वहाँ तक पॉलिटिक्स में जाना चाहूँगा। मैं बस ये नहीं चाहता कि जहाँ तक मुझे भूपेंद्र सिंह ठाकुर का नाम ले जाए मैं वहाँ तक जाऊँ, पर उसी के साथ मेरी मेहनत भी मुझे आगे बढ़ाए, मेरा टैलेंट भी मुझे आगे बढ़ाए। तो इसलिए मैं कोशिश यही करूंगा कि खुद के हार्ड वर्क से पॉलिटिक्स में आगे बढूं, यही हम सबका प्रयास रहेगा। जीवन में ये कहा भी गया है यदि किसी स्थान को पाना है तो आप कठिन से कठिन परिश्रम करता रहिए, कड़ा परिश्रम करते रहिए, आपको सफलता मिल जाएगी। और मूल मंत्र भी अविराज का यही है कि इसी कठिन परिश्रम के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सफलता असफलता ये तो जनता जनार्दन के हाथ में होती, खासकर चुनाव में। लेकिन अपने काम, अपने पिता के कामों के बल पर ये भरोसा है कि खुरई विधानसभा की जनता खुरई को एक बार फिर वोट करेगी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी।